अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो जी हाँ दोस्तों, एशिया कप और वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तानी प्लेयरों ने भाई तबाही मचा दी, अन्नी पा दिया पाकिस्तानी प्लेयरों ने, और इंडिया को इससे भाई ठीक ठाक सदमा पहुंचने वाला है, ये सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। और आज आपके साथ यही शेयर करने जा रहा हूं, वर्ल्ड कप का मेला, एशिया कप का मेला, और पाकिस्तानी प्लेयर अगर फुल फिट हो और यानी कि उनका लेवल ग्रेट हो, अपनी पीक के ऊपर हो, तो और हमें क्या चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, शाहीनों के शाहीन, शाहीन से कोई बेस्ट नहीं है इस वक्त। जी हाँ दोस्तों, दुनिया क्रिकेट को हिला कर रख दिया शाहीन शाह आफरीदी, और जिस बात के लिए वो माने जाते हैं उन्हें करके दिखाया। एक ही ओवर के अंदर T20 ब्लास्ट के अंदर, पहले ही ओवर के अंदर चार विकेटें उड़ा दी। एलेक्स हेल्स और इमाद वसीम जैसे बड़े सुपरस्टार उनके साथ खेल रहे थे, वो भी हैरान रह गए कि शाहीन वाकई स्पेशलिस्ट है जनाब। पहले ही ओवर के अंदर चार विकेटें उन्होंने उड़ाई है, एक LBW आउट किया, एक कैच आउट हुआ, और दो उन्होंने बड़े शानदार क्लीन बोल्ड किया, अनबिलीवेबल ओवर उन्होंने डाला। शाहीन शाह आफरीदी ने इब्तदाई ओवर के अंदर 7 रन जरूर कंसीड किए, एक उनको मतलब स्पेशली पहली बॉल के ऊपर तो वाइट और 5 रन पड़ गए, यानी कि एक पीछे चौका चला गया। यानी कि ओवर उन्होंने पहले ओवर के अंदर जब 7 रन कंसीड किए तो 4 तगड़ी विकेट जनाब उन्होंने हासिल की। और इसके अलावा अगर जमान खान की बात करो, थर्ड हाइएस्ट विकेट टेकर है, रात वाले मैच के अंदर भी जमान खान को 3 विकेटें मिली। इसके अलावा हसन अली बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ, डिमांड मुझे लगता है हसन अली की होगी एशिया कप और वर्ल्ड कप में, हसन अली को मुझे लगता है इस मरतबा चांस मिल जाएगा जिस तरह लगातार वो परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि जब वो T20 ब्लास्ट के अंदर जाता है परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे टीम के अंदर इंक्लूड किया जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है। हालांकि हसन अली इतना बुरा प्लेयर है नहीं जितना उसको सामने बना के पेश किया जाता है। इसके अलावा जनाब अगर बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयरों की जो मौजे जाहिर सी बात है लगी हुई है, तो वर्ल्ड कप के ऊपर उनका इंपैक्ट होगा यही कि वर्ल्ड कप में ये फिर पाकिस्तान के प्लेयर 4 चांद लगा सकते हैं, और इस बात में कोई दोहरा नहीं है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम जो वो इस वक्त पीक के ऊपर है, बैटिंग वाइज देखें, बॉलिंग वाइज देखें, या ऑलराउंडर जो पाकिस्तान के परफॉर्म कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और बेस्ट विशेज है पाकिस्तान टीम के लिए कि ये दो इवेंट्स पाकिस्तान की टीम खास बनाए अपने फैंस के लिए, अपने बोर्ड के लिए, अपने मुल्क के लिए। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चलो सब्सक्राइब प्लीज।